प्रदीप भाई कब से काम कर रहे हो ये? मैं 15 साल से काम। 15? मेरा दही फ्रेश रहता है, डब्बों में रखता हूँ। कह दीजिए मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दाल खिचड़ी दो। दाल खिचड़ी देखो, ये भाई दाल खिचड़ी बोल रहे हैं। उस्ताद हमारे, उस्ताद भाई। आज हम आए हैं वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां हमने टेस्ट किया ये सुपर चाट पानी पूरी दही पूरी, जो टेस्ट में एकदम रिफ्रेशिंग और चटपटा था। फिर हम चले गए वर्सोवा के फेमस मिठाई वाला माखन भोग। इनकी मिठाइयां पूरी मुंबई में फेमस है, लेकिन सबसे फेमस है चमचम, रसमलाई और गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेजी ऑफिशियल व्लॉग। मुंबई में हो और ट्रैफिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रैफिक को पार करते हुए हम पहुंच गए वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां हम आपको आज सुपर टेस्टी चाट्स और मिठाइयों का रिव्यू देने वाले हैं। आ गए हम आज के जंक्शन पे, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट द प्योर वेज एक्सपीरियंस। ये मेरी फ्रेंड है हीना। यहाँ पर 8 बजे के बाद बहुत क्राउड होने लगता है, इसके लिए हम पहले ही आ गए। 7 बजे हम आ गए थे यहाँ पर, ताकि हमें भीड़ कम मिले और हम जो है सुकून से ये खा सके। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप भाई, दही पूड़ी खिलाओगे आज? खिलाएंगे ना सर। खिलाओ खिलाओ। ये थे आज के हमारे शेफ प्रदीप भाई, जो चाट्स में स्पेशल है, और ये हमको आज दही पूड़ी और पानी पूरी का टेस्ट कराएंगे। ये एक साउथ इंडियन होटल है जो वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के नीचे है। प्रदीप भाई का कहना है कि उनसे अच्छी पानी पूरी और दही पूरी कोई नहीं बना सकता। प्रदीप भाई कब से काम कर रहे हो ये? मैं 15 साल से काम। 15 साल से? और कितनी पुरानी होटल है, आइडिया है कुछ? बहुत पुराना होटल। बहुत पुराना है, 50-60 साल लगभग। तो यहाँ की दही पूरी पानी पूरी बहुत फेमस है सुना मैंने। मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया कि भाई आप जाओ अपॉइंटमेंट में, बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। मेरा दही फ्रेश रहता है, डब्बों में रखते हैं हम लोग। रोज नया फ्रेश माल बनता है। ओके। रोज रोज ताज़ा माल बनता है। मोस्टली लोग यही खाने आते हैं यहाँ पे सुना मैं, दही पूरी और पानी पूरी। पहले दही पूरी खा लेते, फिर हम यहाँ पर आके पानी पूरी टेस्ट करेंगे, ठीक है? ये तैयार हो गई हमारी दही पूरी, हम जो है बैठेंगे और बैठकर खाएंगे इसे। और ये देखिए, इनका जो होटल है अच्छा है काफ़ी, ऊपर की तरफ एसी है और नीचे भी जो अच्छा इन्होंने स्पेस बनाया है फैमिली सेक्शन के लिए, जूसेस के लिए, तो बिल्कुल अच्छा है रेस्टोरेंट विज़िट करने के लिए। दही पूरी इतनी टेम्पटिंग लग रही थी कि मुझे जो है दही खाने का बहुत शौक है, और मैंने दही एक्स्ट्रा मंगा ली इनसे। वेटर से रिक्वेस्ट की मैंने कि मुझे दही दो, और वाह 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 क्या मज़ा आ गया। ये चाट बिल्कुल परफेक्ट बनाया था प्रदीप भाई ने। ये गाइस मेरे आज के स्पॉन्सर मिस हीना खान, देखो वीडियो में देखो क्या एकदम फुल जोश में खा रहे, एकदम वीडियो खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा ये आज दही पूरी। लेकिन मैं भेंडी बाजार में रहता ही नहीं हूँ। अब हम खाने वाले हैं पानी पूरी जो प्रदीप भाई बना के दे गए हमें, और ये हमारे प्रदीप भाई जुड़ गए पानी पूरी की प्रिपरेशन में। देखिए, जो भी बटाटा पानी जो भी इनको प्रिपेयर करना था, इन्होंने जो है अच्छे से मिक्सअप कर लिया सारी चीज़ों को। अच्छा लगता है सारी चीज़ें देखकर, जब शेफ दिल से बनाता हो और दिल से खिलाता हो। मीडियम चाहिए? मीडियम मीडियम रखना भाई, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता हूँ, मीडियम रखना। और ये आलू वटाना और पानी, वो भी तीखा मीठा मिक्स है इसमें, ये मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको। ये मेरे मुंह में जाकर घुल सी गई एकदम से, देख सकते हो आप। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, लेकिन
अच्छा लग रहा था ये। इसका जो पानी है तीखा है और मीठा मिक्स है दोनों, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका पानी भी पीना चाहूँगा, बहुत अच्छा बना। बहुत दिनों के बाद ऐसी पानी पूरी खाई है मैंने। नॉर्मली चौपाटी या घर के आसपास हम ढूंढते हैं, लेकिन ये जो है वर्सोवा में है, वर्सोवा मेट्रो के नीचे अपॉइंटमेंट जो है इसका नाम है, यहाँ पर दही पूरी पानी पूरी छोटे मोटे स्नैक जूसेस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और कहूँगा कि आप जो है यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप अंधेरी वर्सोवा के आसपास हो, मुंबई में है ये प्लेस। दोस्तों वीडियो पर जरूर कमेंट करें, आपको पानी पूरी पसंद है या दही पूरी, और आगे आप वीडियो में क्या देखना चाहोगे। अपॉइंटमेंट को मिलते हैं 8 out of 10, सारी चीजें अच्छी थी। कितने कितने साल से चला रहे हो? 35 इयर्स से चला रहे हो? ओके ओके, 45 इयर्स से चल रहा है। ओके, तो मोस्टली वीकेंड पे बहुत क्राउड रहता है मैंने सुना है यहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे संडे एकदम फुल रहता है। कोविड में अक्सर यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी मैंने देखा था, लेकिन वो कोविड में बंद हो गई थी। एक आपकी ही शॉप्स है जो मतलब इतना चल रहा है 45 इयर्स से। क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छा है। मैंने टेस्ट किया पानी पूरी वगैरह, बहुत अच्छा लगा हमें। पानी पूरी दही पूरी हमने टेस्ट किया है, और मैं अक्सर वीडियोज़ बनाता और वीडियोज़ में ये भी कहता हूँ कि जहाँ की क्वालिटी और टेस्ट अच्छा हो वो दुकान जो है हमेशा चलती रहती है, शॉप्स हमेशा चलते रहते हैं। आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है आपका। जो प्रदीप भाई है जिन्होंने पानी पूरी दही पूरी खिलाया मुझे, वो भी बहुत अच्छे से बनाया उन्होंने। ये भी अच्छा बनाता है। क्या नाम है आपका? राजू। राजू भाई, देखो भाई ये राजू भाई है, यहाँ पे काम करते हैं मेहनत से, बहुत अच्छे से पानी पूरी दही पूरी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू टू ऑल स्टाफ, बहुत अच्छा आप लोग मेहनत कर रहे हो भाई, इसी बने रहे लगे रहे। कह दीजिए मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दाल खिचड़ी दो, दाल खिचड़ी देखो, ये भाई दाल खिचड़ी बोल रहे हैं, उस्ताद है हमारे, उस्ताद भाई मतलब मैं से। हाँ, ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है दोस्तों एक, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, क्वालिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो सर जी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके आपके होटल में आके अपॉइंटमेंट में। हाँ जरूर जरूर। ये मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब कैसे हो? बस बस अच्छा है आपका होटल। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मिठाई खाने, माखन भोग शॉप का नाम है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए ये गिफ्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह देना है। अच्छा लग रहा है ये माखन भोग, तो आइए अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं और इनके मिठाइयों को टेस्ट करते हैं। मिठाइयों के अलावा यहाँ पर तरह तरह के स्नैक्स थे, जैसे चकली, समोसे, कचौरी और तरह तरह के चिप्स, लेकिन माखन भोग अपने मिठाइयों के लिए फेमस है वर्सोवा में। जैसे कि आप देख सकते हो मिट्टी के लड्डू, ढोकला, मिश्री दोई, रबड़ी, रस मलाई, गुलाब जामुन, काला जाम, मालपुआ, कचौरी, समोसा, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अलग अलग तरीके की मिठाई है, खजूर की मिठाई है, फिर ये हलवा है आप देख सकते हो खोए वाली, फिर ये बूंदी है। अलग अलग तरीके की जो है मिठाई यहाँ पर रखी गई है। थोड़ा कॉस्टली था लेकिन क्वालिटी और टेस्ट अच्छा है यहाँ का। ये सब गिफ्ट बॉक्स है ना? क्या रेंज है? 720 का है, 1440 का है, या 1630 का। ओके, और ये छोटा वाला 440 का। ये गुलाब जामुन, गुलाब जामुन भी खाएगा आज, आप सब खाएंगे। ये चमचम, रसमलाई, और ये आ गया गुलाब जामुन। आए टेस्ट करते हैं माखन भोग के कुछ मशहूर और रसीले मिठाइयाँ और देते हैं रिव्यू माखन भोग को। गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, क्रिस्प है, बहुत ही मीठा है, अच्छा लग रहा है गुलाब जामुन। अब ट्राई करेंगे
रस मलाई, ये देखिए रस मलाई देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ये दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है रसमलाई। ये है मलाई चमचम दोस्तों, फ्राई करते हैं, बहुत अच्छा, ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बराबर से बनाया गया है, मिठास इतनी नहीं है जितना आपको अगर हैवी लग सकता है तो जो हैवी नहीं खाता है टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग पे, हमें खाने दीजिए दोस्तों अभी, और मेरी फ्रेंड को भी खाने दीजिए, बेचारी बहुत देर से खड़ी है। थैंक यू, जल्दी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ सजेशन हो। थैंक यू।